सो हे एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हमारी केल्विन साइकिल। इसका एक और नाम होता है, दैट इज़ C3 साइकिल। क्या, क्यों, कैसे, ये सब मैं वीडियो में आगे डिस्कस कर दूंगा। देखो, इसमें होता क्या है, हमारे पास CO2 होती है, उसको हम लोग कन्वर्ट करके ग्लूकोज बनाते हैं। कैसे बनाएंगे वो मैं वीडियो में आगे समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको प्लांट सेल के थोड़े से बेसिक समझाना चाहता हूँ। देखो, ये मैंने अपना एक प्लांट सेल को ड्रॉ कर लिया, मैं लिख देता हूँ इस चीज़ को, ये एक प्लांट सेल है। अब इस प्लांट सेल के अंदर सबसे पहले मैं अपना क्लोरोप्लास्ट ड्रॉ करूंगा। मेरे को और किसी ऑर्गेनल से मतलब नहीं है, मेरे को सिर्फ क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताना है, क्योंकि केल्विन साइकिल क्लोरोप्लास्ट में चलती है, तो हमें क्लोरोप्लास्ट के थोड़े से बेसिक्स आने चाहिए। अब देखो, ये क्लोरोप्लास्ट को मैं एक बार पूरा का पूरा बैकग्राउंड इसका ग्रीन कर देता हूँ, ताकि आप इससे क्लोरोफिल को रिलेट कर पाओ। और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता कहाँ पर है। अब सुनना, ये मैंने क्लोरोप्लास्ट ड्रॉ कर लिया है। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर का जो स्पेस है, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। जैसे सेल के अंदर के स्पेस को साइटोप्लाज्म, इसके अंदर के स्पेस को स्ट्रोमा नाम दे देते हैं। अब इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं थाइलाकोइड। कुछ नहीं है, बस एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम रख दिया है थाइलाकोइड, क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलता है। और ये जो थाइलाकोइड है, इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अच्छा, मैंने बहुत सारे थाइलाकोइड एक साथ एक के ऊपर एक लगा दिए, स्टैक ऑफ थाइलाकोइड बोलो या फिर ग्रुप ऑफ थाइलाकोइड बोलो, इनको हम लोग नाम दे देते हैं ग्रेना। अब सुनना, एक और ग्रुप ऑफ थैलाकोइड यहाँ पे बना लेता हूँ। अच्छा सोचो, एक और एक थैलाकोइड ऐसा बनाऊँगा जो इन दोनों के दोनों ग्रेना को आपस में कनेक्ट करेगा। देखो, बनाता हूँ, बना दिया। अब ये जो थैलाकोइड जिसने इन्हें आपस में कनेक्ट करा है थ्रू स्ट्रोमा, स्ट्रोमा के थ्रू एक लाइन सी बनाई गई और इन्हें कनेक्ट करा गया, इसको नाम दे देते हैं स्ट्रोमल लैमेला। बहुत सिंपल है। सो अब मेरी बात सुनना, स्ट्रोमल लैमेला, ये जो पूरा सिस्टम बना है आपका थैलाकोइड वगैरह, इनका मेन फंक्शन होता है ATP और NADPH बनाना, मतलब एनर्जी इनसे बनेगी। और स्ट्रोमा का काम होता है, बचा हुआ जो स्पेस होगा उसका काम होता है केल्विन साइकिल चलवाना। और जो केल्विन साइकिल होती है हमारी, केल्विन साइकिल इसी एनर्जी का यूज़ करके चल पाती है। मतलब केल्विन साइकिल ATP भी यूज़ करेगी, NADPH भी यूज़ करेगी। कैसे करेगी, कहाँ कहाँ करेगी, अब हम अपनी केल्विन साइकिल देखेंगे और ये देखेंगे कि ये ATP और NADPH कहाँ कहाँ उस साइकिल में यूज़ होंगे और कैसे कैसे नए नए प्रोडक्ट्स बनेंगे। सो चलते हैं अपनी केल्विन साइकिल के ऊपर। सो अब मैं ड्रॉ करूंगा हमारा क्लोरोप्लास्ट, और इस पूरे क्लोरोप्लास्ट में मैं सिर्फ केल्विन साइकिल चलाऊंगा, तो मैं ग्रेना वरेना कुछ भी ड्रॉ नहीं करूंगा। ग्रेना वरेना से होगा क्या, सिर्फ एनर्जी मिल रही थी ATP और NADPH, तो वो मैं यहाँ पर यूज करूंगा। मैं यहाँ पर दिखाऊंगा ATP कहाँ यूज हुई है, NADPH कहाँ यूज हुआ है, लेकिन मैं किसी भी ग्रेना और क्लोरो उसको ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, थैलाकोइड और ग्रेना को। मैं सिर्फ क्लोरोप्लास्ट बनाऊंगा और स्पेस खाली रखूंगा, ताकि मैं पूरी साइकिल इसी में ड्रॉ कर पाऊँ। अब ध्यान से सुनना, ये बना दिया मैंने अपना क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर सबसे पहले हमारा RUBP रहता है। RUBP क्या है, ये RUBP का पूरा नाम समझना, उसके बाद आपको बड़े आराम से नाम याद होगा। इसका पूरा नाम होता है राइब्यूलोज बिस फॉस्फेट। अब राइब्यूलोज बिस फॉस्फेट का मतलब क्या है, देखो ग्लूकोज क्या होता है आपका, 6 कार्बन की शुगर होती है, राइट, C6H12O6। इसी तरह से 5 कार्बन की शुगर को हम लोग राइबोज बोलते हैं। तो राइब्यूलोज बिस फॉस्फेट क्या हो जाएगा आपका, एक 5 कार्बन की शुगर है, बिस फॉस्फेट मतलब जिसपे 2 कार्बन लगे हैं, आराम से याद हो गया होगा RUBP राइब्यूलोज, 5 कार्बन की शुगर और 2 फॉस्फेट, बिस फॉस्फेट, ठीक है। अब होता क्या है, ये जो RUBP होता है, ये जाकर के सबसे पहले हमें करना क्या है केल्विन साइकिल में, CO2 से ग्लूकोज बनाना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इस RUBP के साथ CO2 जाकर के चिपक जाएगा, मतलब CO2 जाके RUBP के ऊपर अटैच करेगा। ये होता है हमारा सबसे पहला स्टेप, और ये करवाने में हेल्प करता है रुबिस्को एंजाइम। रुबिस्को ये कैसा नाम है, रुबिस्को का मतलब आराम से आप समझ जाओगे, राइब्यूलोज बिस फॉस्फेट है, तो RUBISCO रुबिस्को में से, रुबिस तो इसी के लिए स्टैंड करता है, राइब्यूलोज बिस फॉस्फेट के लिए। और जो आपका CO है, उसमें C का मतलब है कार्बोक्सिलेज और O का मतलब है ऑक्सीजनेज। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत थोड़ा सा, लेकिन समझने के लिए बहुत ईजी है। रुबिस्को सिर्फ एक एंजाइम है जो कनेक्ट करवाएगा RUBP और CO2 को, बहुत सिंपल है। अच्छा ये बताओ, 5 कार्बन RUBP में थे, 1 कार्बन CO2 के अंदर था, दोनों के दोनों जुड़ करके टोटल कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन, और 6 कार्बन के साथ साथ फॉस्फेट कितने हैं हमारे पास, बस राइब्यूलोज में ही थे 2 फॉस्फेट, तो हमने बस 6 कार्बन के साथ 2 फॉस्फेट लगा दिया। अच्छा इसका क्या नाम होता है, याद भी नहीं करना है, क्योंकि ये स्टेबल ही नहीं होता, जो कंपाउंड बना है ये स्टेबल ही नहीं बन पाया, 6 कार्बन का कंपाउंड है, 2 फॉस्फेट लगे हैं, ये स्टेबल नहीं होता है। तो इसको स्टेबल करने के लिए क्या करता है, ये टूट जाता है। क्या बोला मैंने, ये जो कंपाउंड बना है ये स्टेबल नहीं था, तो अपने आपको स्टेबिलिटी गेन करवाने के लिए ये 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लेगा खुद को। और 2 पार्ट में ब्रेक करेगा तो कैसे ब्रेक करेगा, देखो भाई 2 फॉस्फेट थे तो एक एक के पास दोनों फॉस्फेट चले जाएंगे, और 6 कार्बन थे तो 3-3 कार्बन दोनों ले लेंगे। अब ये जो कंपाउंड बना है 3 कार्बन और उसके साथ एक फॉस्फेट, इसका नाम है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड।
फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसको हम PGA लिख देते हैं। अब मेरी एक बात को ध्यान से सुनना, अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है, सबसे पहले मैं आपको वो भी छोड़ू, मैं आपको सबसे पहले ग्लिसरिक एसिड बताता हूँ। ग्लिसरिक जब भी वर्ड आता है ना, तब मतलब होता है तीन कार्बन की बात चल रही है। जैसे आपने ग्लिसरॉल पढ़ा है, उसमें भी तीन कार्बन ही होते हैं, इसी तरह ग्लिसरिक एसिड है। ये देखो, ग्लिसरॉल क्या है, एल्कोहल हो जाएगा। ग्लिसरिक एसिड क्या है, एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। और जो अगर आपका ग्लिसर एल्डिहाइड बोलूं तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, तीन कार्बन का एल्डिहाइड है। अब आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर पढ़ा होगा तो वहां पर आप पढ़ते हो जो आपका अल्कोहल होता है, अगर आप उसका ऑक्सीडेशन करोगे तो आपका एल्डिहाइड बन जाएगा, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर दोगे तो आपका एसिड बन जाएगा। और अगर आपके पास एसिड है, आप उसका रिडक्शन कर दोगे तो आपका एल्डिहाइड बनेगा, और एल्डिहाइड का रिडक्शन कर दोगे तो आपका अल्कोहल बन जाएगा। बताओ, बहुत बेसिक सी बात है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपने ये पढ़ा है तो यहाँ पर आप इसका नाम पढ़ो, PGA का नाम क्या है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एसिड है ना मेरे पास यहाँ पर, तो अगर मेरे को एसिड से एल्डिहाइड बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली रिडक्शन करना पड़ेगा, रिडक्शन कर देंगे। लेकिन अभी के लिए मेरी एक बात सुनना, मैंने क्या कहा था कि हम ATP और NADPH का यूज करेंगे, करते हैं। सबसे पहले किसका यूज करें, ATP और NADPH दोनों है, तो पहले ATP आ रहा है तो ATP का यूज करते हैं। ATP का यूज करेंगे, ATP के पास है क्या देने के लिए, ATP के पास अपना फॉस्फेट ग्रुप है, तो वो इस PGA को अपना फॉस्फेट ग्रुप दे देगा। PGA को फॉस्फेट ग्रुप देगा तो क्या बन जाएगा, क्या तीन कार्बन और एक फॉस्फेट के साथ एक और फॉस्फेट जुड़ जाएगा। देखो, मैंने यहाँ पर दोनों में सेम काम करा, ऊपर P3C था, फॉस्फेट था और तीन कार्बन थे, अब एक और फॉस्फेट आ गया तो दो फॉस्फेट हो गए और तीन के तीन कार्बन रहे, कार्बन तो नहीं देगा ना ATP। तो ATP का यूज हो गया कि नहीं हो गया, अब ये बताओ कितने ATP यूज होंगे। भैया दो P3C थे तो दो P3CP बने हैं, मतलब दो फॉस्फेट और तीन कार्बन के दो कंपाउंड बने हैं, तो मतलब कितनी ATP यूज हो गई यहाँ पर, टोटल दो ATP यूज हो गई है मेरी। अब जो प्रोडक्ट बना है वो क्या होगा, उसका नाम होता है बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। भाई एक फॉस्फेट था फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, दो फॉस्फेट है बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, सिंपल सा है। अब NADPH का यूज करो, NADPH क्या देगा, H देगा, हाइड्रोजन दे रहा है, हाइड्रोजन तो रिडक्शन करवा सकता है, तो इस BPGA का रिडक्शन हो जाएगा, और एसिड था ये ग्लिसरिक एसिड था, एसिड का रिडक्शन होकर के एल्डिहाइड बन गया है, PGAL फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड। होप आपको ये क्लियर होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपका यहाँ पर आता है, वो क्वेश्चन होता है कि इसे C3 साइकिल क्यों बोलते हैं। आप ये बताओ, RUBP से कार्बन डाइऑक्साइड अटैच करके 6 कार्बन का कंपाउंड बना था ना, अब 6 कार्बन का कंपाउंड स्टेबल तो नहीं था, तो पहला स्टेबल कंपाउंड कौन सा था, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, उसमें कितने कार्बन थे, तीन कार्बन थे, इसीलिए इसको C3 साइकिल बोलते हैं। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई कि फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड बन गया। अब यहां पर कितने मॉलिक्यूल्स बने होंगे, दो मॉलिक्यूल, ऑब्वियसली दो मॉलिक्यूल ही बने होंगे। अच्छा, ATP कितनी खर्च कर चुके हो, दो। NADPH कितने खर्च हो गए हैं, दो। अब जो यहां पर दो आपके पास PGAL मॉलिक्यूल बने हैं, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, इनमें से एक तो हम यूज कर लेंगे और दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो वापस से राइबुलोज बिस फॉस्फेट बना लेगा, और इस प्रोसेस में भी ATP खर्च होगी। आपको डाउट यहां पर ही आना चाहिए कि PGAL में तीन ही कार्बन थे, तो तीन कार्बन से पांच कार्बन का RUBP बनता कैसे है, वो डाउट मैं अभी थोड़ी देर में क्लियर करूंगा। लेकिन उससे पहले आप इस साइकिल को अच्छे से रटो। देखो, मैं एक बार दोबारा बोलता हूँ इस साइकिल को ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। देखो, RUBP था, राइबुलोज बिसफॉस्फेट था, एक कार्बन उससे जुड़ गया, उसके पास पांच कार्बन थे, एक कार्बन आके जुड़ गया तो 6 कार्बन हो गए, तो 6 कार्बन वाला जो कंपाउंड बना वो स्टेबल ही नहीं होता है, तो वो टूट जाता है तीन तीन कार्बन के कंपाउंड में। उस कार्बन का नाम हम लोग रख देते हैं फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, PGA, क्योंकि एक फॉस्फेट ग्रुप हो जाता है उसके पास। अब हम क्या करते हैं, ATP आता है, ATP दोनों को एक एक फॉस्फेट और दे देता है, तो नाम हो जाता है बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, BPGA। अब ये जो BPGA है ये NADPH का यूज कर लेता है, तो NADPH का यूज करके रिडक्शन करवा लेता है, और एसिड का रिडक्शन करके एल्डिहाइड बनता है, वो हमने बगल में समझ लिया। एल्डिहाइड बन गया है, एल्डिहाइड हमारा है PGAL फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड। अब ये जो इनमें से एक को हम यूज कर लेते हैं, दूसरा रीजनरेट करके RUBP वापस बना देता है, और इस प्रोसेस में भी ATP लगती है। तो आप मुझे ये बताओ कितनी ATP खर्च हो चुकी है, टोटल दो और प्लस एक रीजनरेशन में, टोटल तीन ATP खर्च हो चुकी है। कितने NADPH खर्च हुए हैं, टोटल दो NADPH खर्च हुए हैं। कितने CO2 को फिक्स कराया है हमने यहाँ पर, सिर्फ एक CO2 को फिक्स कर पाए हैं हम। एक CO2 को फिक्स करने का खर्चा क्या है, तीन ATP लगेगी और आपके दो NADPH लगेंगे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं इन स्टेप्स को एक नाम दे देता हूं ताकि हमें बहुत इजीली ये याद रहे। देखो, CO2 को फिक्स करा है ना, सबसे पहले स्टेप में CO2 को ही तो जोड़ा है केल्विन साइकिल के, इसलिए पहले स्टेप का नाम रख देते हैं CO2 का फिक्सेशन कर रहे हैं, तो पहला स्टेप है CO2 फिक्सेशन। दूसरे स्टेप में हमने क्या करा है, दूसरे स्टेप में अपने आप एक स्टेबल कंपाउंड बना PGA, उसको उसने ATP का यूज करा, फिर NADPH यूज करके अपना रिडक्शन करा और उसने PGAL बना लिया। तो मैं लमसम इसको बोल देता हूँ कि ये पूरा प्रोसेस जो हो रहा है ये रिडक्शन है,
तो दूसरा स्टेप क्या हो गया हमारा इस साइकिल का, रिडक्शन होना। पहला स्टेप कार्बन फिक्सेशन, CO2 फिक्सेशन, दूसरा स्टेप क्या हो गया रिडक्शन, और तीसरे स्टेप में हमने रीजनरेट कर दिया है RUBP को, तो तीसरा स्टेप हो गया हमारा रीजनरेशन। बताओ केल्विन साइकिल याद हुई या नहीं हुई? अब मैं आपका वो डाउट क्लियर करता हूँ कि ये 3 कार्बन का कंपाउंड 5 कार्बन का RUBP कैसे बना पाता है। देखो इधर देखना, मैं आपको पहले थोड़ा सा हिसाब लिखवाता हूँ। एक CO2 को जब हमें फिक्स करना था तो एक बार साइकिल चलाई, उसमें 3 ATP लगे और 2 NADPH लगे। अगर मेरे को यही साइकिल 3 CO2 को फिक्स करवाने के लिए चलवानी पड़ती तो 3 बार साइकिल चलती, 9 ATP खर्च होते और 6 NADPH खर्च होता है। इसमें तो कुछ मुश्किल नहीं है ना, यूनिटरी मेथड है, ऊपर सिंपल मल्टीप्लाई करते जा रहा हूँ, 3 से मल्टीप्लाई करा है। अब अगर मेरे को ये साइकिल 6 बार चलानी पड़ जाए तो 6 टर्न्स लगेंगे, 18 ATP खर्च होंगे और 12 NADPH खर्च हो जाएंगे। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, बहुत ईजी सी चीज़ थी ये तो। अच्छा ऊपर आते हैं, देखो ऊपर आकर के अगर मैं कहूँ, मैं हिसाब की बात करूँगा सिर्फ 3 कार्बन के लिए, मैं ये साइकिल 3 बार चलाना चाहता हूँ, तो मान लो मैं 3 CO2 लाता हूँ, तो 3 CO2 में कितने कार्बन आए हैं? 3 कार्बन। देखो अपनी उंगली पे भी हिसाब रखोगे तो भी बड़ा मजा आएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, देखना बस हिसाब अच्छे से रखना। 3 कार्बन ले आया मैं CO2 के अंदर। RUBP राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट, इसमें कितने कार्बन होंगे पहले ये बताओ। एक CO2 के साथ एक RUBP बाइंड करता है, अगर 3 CO2 लाए हो तो 3 RUBP भी लाओगे, एक RUBP में 5 कार्बन तो 3 में 15 कार्बन, 15 कार्बन यहाँ, 3 कार्बन CO2 में, टोटल 18 कार्बन यूज करने पड़ेंगे आपको। यहाँ पर सोच के देखो, आराम से हिसाब कर लो, तो 18 कार्बन होंगे। देखो भाई, जब एक कार्बन से एक RUBP जुड़ा था तो 6 कार्बन का कंपाउंड बना था, अब यहाँ पर 18 कार्बन है तो कितने ऐसे कंपाउंड बन जाएंगे? 3 कंपाउंड बनेंगे, बहुत सिंपल सी बात है। अब इन 3 कंपाउंड भी आगे जाकर टूट जाएंगे आराम से, और टोटल हमें 6 PGA मिलेंगे, मतलब 6 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। अब इन 6 मॉलिक्यूल्स में 18 कार्बन हमारे अब भी रहेंगे, आराम से देख लो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे ये क्या होगा, ATP यूज करके सब 20 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाएंगे तो सारे 6 के 6 ही रहेंगे, थोड़ी कम हो जाएंगे। फिर रिडक्शन भी सबका होगा तो सारे PGAL बन जाएंगे, तो 18 कार्बन अभी तक है हमारे पास। अब सुनो, मैं 6 PGAL को 1 PGAL और 5 PGAL की तरह लिख सकता हूँ क्या? एक अलग लिख लिया, 5 अलग हो जाएंगे, तो ये जो 5 है, 5 PGAL में कितने कार्बन होंगे? 1 PGAL में 3 कार्बन है, तो 5 के अंदर कितने हो जाएंगे? 15 कार्बन, और 1 PGAL के अंदर 3 कार्बन हो जाएंगे। तो यहाँ से एक्चुअल में जो मैं कह रहा था कि 1 PGAL का हम यूज कर लेते हैं, वो 3 साइकिल चलने के बाद यूज कर पाते हैं, पहली साइकिल में नहीं कर पाते हैं। जब 3 बार साइकिल चलती है तब 1 PGAL यूज करते हैं, बचे हुए 5 PGAL 3 RUBP बनवाने में लग जाते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत ईजी चीज है, लेकिन अगर नहीं भी समझ आई है तो सिर्फ आप एक CO2 का हिसाब किताब याद रखो, आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, इतनी जनरली ये चीजें नहीं पूछी जाती हैं। बस मैंने आपको इसलिए समझाया ताकि आपको ये डाउट ना रहे कि ये 3 कार्बन से 5 कार्बन का रीजनरेशन कैसे हो जाता है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मैं शायद C4 कवर करवा दूं या फिर फोटो रेस्पिरेशन, वो मैं देख लूंगा। बाकी और कोई अच्छा सा टॉपिक अगर आपके दिमाग में हो, पूरे चैप्टर्स के लिए तो अभी थोड़ा मुश्किल हो पाएगा, बट अगर आपके दिमाग में कोई टॉपिक है, कोई स्पेसिफिक टॉपिक जिसमें आपको प्रॉब्लम आती है, वो टॉपिक जरूर कमेंट करके मेरे को बताना। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।